दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान गुरुवार को कर दिया गया और जिस बात का हर किसी को इंतजार था उस बात का जवाब भी क्रिकेट फैंस को मिल गया। जी हां, आपको बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी को एक बार फिर टी20 टीम में जगह नहीं दी गई। बड़ी बात यह है कि अब धोनी के फ्यूचर पर सवाल खड़े होने लग गए हैं। हालांकि एक्सक्यूज ये दिया गया कि धोनी ने खुद को अनअवेलेबल बताया है BCCI के सामने और धोनी फिलहाल अमेरिका में है। लेकिन खबरों की माने तो हाल ही में जमैका के एक लोकल अखबार को दिए हुए इंटरव्यू में टीम इंडिया के हिटमैन ने धोनी के बाहर होने को लेकर टीम इंडिया के चयनकर्ता और कप्तान और कोच को बुरी तरह लताड़ लगाई है। जी हाँ, हिटमैन ने साफ कहा कि महेंद्र सिंह धोनी जैसे खिलाड़ियों को कोई कैसे बाहर रख सकता है, खासतौर पर तब जब वो 2 से 3 महीने ट्रेनिंग से वापस लौट चुके हैं, आराम कर चुके हैं, तो आखिरकार अनअवेलेबल होने की जरूरत क्या है। रोहित शर्मा ने साफ कहा कि मुझे ये बात बिल्कुल नहीं पच रही है कि आखिरकार धोनी खुद से ये क्यों कहेंगे कि वो टीम के लिए अवेलेबल नहीं है। बड़ी बात यह है कि महेंद्र सिंह धोनी के विकल्प के तौर पर फिलहाल टीम के पास कोई बड़ा विकेटकीपर बल्लेबाज नहीं है। हालांकि ऋषभ पंत के रूप में टीम इंडिया जरूर बेहतर विकल्प देख रही है, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी का विकल्प तलाशना फिलहाल तो मुश्किल है। रोहित ने यह भी कहा कि धोनी के परफॉर्मेंस पर हमेशा उंगली उठाई जाती है, लेकिन विश्व कप में जिस तरह से धोनी ने प्रदर्शन किया वो वाकई में कहीं से भी उंगली उठाने लायक नहीं था, क्योंकि धोनी का प्रदर्शन काफी बेहतरीन था। ऐसे में ऐसे खिलाड़ी को आखिरकार कैसे चयनकर्ता, कप्तान और कोच बाहर रख सकते हैं, और अगर उनकी नहीं खेलने की इच्छा थी तो चयनकर्ताओं और कप्तान और कोच को पूछना चाहिए था कि आखिरकार आप क्यों नहीं खेल रहे हैं। बड़ी बात यह है कि रोहित ने इस बयान को देकर अब पूरे तरीके से टीम इंडिया पर सवाल उठा दिए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या BCCI के चयनकर्ता कोई साजिश रच रहे हैं या फिर यह विराट और शास्त्री की जुगलबंदी का एक अलग नमूना है। ANP न्यूज रूम की रिपोर्ट।